और अब खबरें विस्तार से। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद उपायुक्त और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए चुनावों के मद्देनजर कई जानकारियां दी है। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्याशियों के नामांकन के लिए 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 23 अप्रैल तक नामांकन होगा। 26 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेगी, वहीं 12 मई को जिले में मतदान होगा। इस बार पूरे जिले में लगभग 16 लाख महिला एवं पुरुष वोटर्स होंगे, जो 1,885 केंद्रों में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों के गठन के माध्यम से जो चुनाव संबंधी तैयारियां हैं वो बिल्कुल बेहतर तरीके से की जा रही है। वोटर्स हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 डायल करके अपने मतदाता सूची के बारे में, अपने विभिन्न तरह की जो उसके क्वेरीज हैं उसको जो है वो दूर कर सकते हैं। क्षेत्र के लिए जो इशू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 16 अप्रैल 2019 है, जिस दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 23 अप्रैल तक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन का कार्य जो है वो कर सकते हैं। स्क्रूटनी का काम 24 अप्रैल 2019 को किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो ऑफ कैंडिडेट 26 अप्रैल को होगा। डेट ऑफ पोल 12 मई और मतगणना का कार्य जो है वो 23 मई को किया। नाटकीय घटनाक्रम में सिंहभूम होम्योपैथी कॉलेज में डॉक्टर कुलवंत सिंह ने एक बार फिर से प्रचारक का पदभार ग्रहण कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसडीओ की देखरेख में उन्हें पुनः प्रचारक का पदभार सौंपा गया। मालूम हो कि विवादों के बाद शिक्षकों ने ही उनका कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वे सेवानिवृत्त हो चुके थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 कर दी है। इसी आधार पर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। ऐसा था कि 2015 में जब मेरी उम्र 60 वर्ष की हुई तो उसके बाद में मुझे कॉलेज में आने से रोक दिया गया शिक्षकों द्वारा कि आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अब आप काम नहीं कर सकते हैं। सत्यता यह है कि 2013 में यूनिवर्सिटी और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद ने रिटायरमेंट की उम्र को 65 वर्ष कर दिया। मैं हाईकोर्ट में मैंने केस किया। हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए यह कहा कि इस मामले में सक्षम पदाधिकारी वाइस चांसलर होंगे, तो कुलपति जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। मैंने कुलपति के पास अपील की, कुलपति ने मेरे पक्ष में निर्णय लिया। इनको तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इनको प्रभार दिलाया गया। उन्होंने एसडीओ को ऑर्डर किया और एसडीओ के आदेश पर आज मुझे प्रभार दिया। कॉलेज की समस्याएँ हैं, कॉलेज में बहुत सारी कमियाँ भी हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को 3 दिनों के लिए सभी अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने से पूर्व एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लचर न्यायिक प्रक्रिया पर अफसोस जताया गया और कहा कि जिस केस की सुनवाई हो गई है उसी केस का सर्टिफाइड कॉपी मिलने में 20 दिन से माह भर का समय लग जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास डोलने लगा है। इसके अलावा लोक अदालत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा गया कि सिर्फ बैंक और टेलीफोन बिल का निपटारा ही किया जा रहा है। काम से हम लोग 3 दिन तक अपने आप को दूर रखेंगे। हम सर्टिफाइड कॉपी का अप्लाई करते हैं तो हमें 10-10 दिन 15-15 दिन तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलता है, जिससे लिटिगेंट को सफ़र करना पड़ता है। न्यायाधीश लोग हैं वो कोई एक पैरामीटर नहीं फिक्स किए हैं। अब हमको 379 के लिए भी बेल में जाना पड़ता है, तो एक कोर्ट बेल देता है, एक कोर्ट बेल नहीं देता है उसी सेक्शन में। मारवाड़ी समाज के 2 लोगों की रांची में हत्या की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मारवाड़ी समाज ने आवाज उठाई है। पिछले दिनों रांची में मारवाड़ी समाज के 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। इससे पूर्व भी हजारीबाग में समाज के 6 लोगों की हत्या हुई। इससे मारवाड़ी समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सोमवार को मारवाड़ी सम्मेलन ने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की है। रांची में जो 2 मारवाड़ी बंधुओं का हत्या हुआ है, ये हमारे समाज के लिए बहुत दुखद घटना है। इसके पूर्व भी हजारीबाग में एक परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उसके बाद ये तत्काल रांची में जो घटनाएं हुई, इससे पूरा मारवाड़ी समाज मर्मात है। आज मारवाड़ी समाज में इस तरह का डर हो गया है कि इस तरह यदि मारवाड़ी लोगों की हत्या होती रहेगी तो हम लोग को यहाँ झारखंड में रहना मुश्किल हो जाएगा। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रेल पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को अपने मातहत अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है।
चुनाव के समय गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए एसपी ने माधातो को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है और मुस्तैद रहने की नसीहत दी है। खासकर स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों पर मुस्तैदी और निगरानी पर चर्चा हुई। स्टेशन में प्रवेश करने वाले और निकलने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने की हिदायतें भी दी गई है। सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री से अब मानगो निवासी काफी राहत महसूस करने लगे हैं और जाम से उन्हें मुक्ति मिल गई है। वैसे मानगो पुल में हर वक्त जाम एक आम दृश्य बन के गया था। इससे स्कूली बच्चे, कर्मचारी, एम्बुलेंस फंस कर रह जाते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू हो जाने से सड़कें काफी व्यवस्थित लग रही हैं और वाहनों की आवाजाही सुचारू ढंग से चल रही है। पब्लिक को बहुत आराम हुआ है। जो आदमी पुलिया पार नहीं होता था डर से, अब वो पुलिया पार तो हो जाएगा जल्दी, अब एक्सीडेंट भी कम होगा, यही सब है। मानगो का वासी जाम से बहुत परेशान थे। मानगो में जो 10:30 बजे निकलने का है, कहीं जाने का है, तो 2-2.5 घंटा इसी खत्म हो गया। इसके साथ जो है, जो अभी 2 दिन से राहत है, पूरा राहत। ब्रेक के बाद अगली खबर है। महिला दिवस के मौके पर मिलानी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने गीत संगीत और नृत्य पेश किया।